हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे यहाँ पर जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों बिहार दरोगा के यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों बता दें आपको कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे आपको लाल बटन मिलेगा सब्सक्राइब का, वो दबा करके घंटी को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए, इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सर्च करना है bpssc.bih.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में दिया गया इसका ऑफिशियल वेबसाइट। ये सर्च करने के बाद आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में एक लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो करेगा जिसमें आपको आपसे कुछ डिटेल वहाँ पर डालने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको आपके सामने यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ वेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जो बहुत से स्टूडेंट इस वेबसाइट पर आ गए, इसीलिए वेबसाइट अभी स्लो खुलेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। और आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं एग्जाम पर जाने से पहले, आपको निर्देश देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको यहाँ पर नीचे करना, नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड के लिए ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, या अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मोबाइल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल करके और कैप्चा डाल करके आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा अपना डाल लेंगे और कैप्चा या डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलिए हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाते हैं, और उसका जो एडमिट कार्ड के नीचे में आपको एक निर्देश दिया है वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये एडमिट कार्ड है, हम आपको एडमिट कार्ड नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसमें पर्सनल डिटेल्स दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए जो एडमिट कार्ड में निर्देश दिया रहता है ये निर्देश आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिया है फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर पत्र, यहाँ पर जो जरूरी चीज़ें आपको बता दें, वही पहचान पत्र यहाँ पर रखें जिसका विवरण आपने आवेदन में दिया था, जो आपने फॉर्म भरते समय जो आपने पहचान पत्र दिया था उसी को आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको ले जाना है। जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड दिया था, पहचान पत्र, पैन कार्ड, जो भी आपने दिया था आपको वही आपको ले जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर परीक्षा केंद्र में आपको किसी प्रकार के मोबाइल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको एग्जाम सेंटर में नहीं लेकर जाने, अंदर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ परीक्षा केंद्र में आपकी फोटोग्राफी भी की जाएगी, मतलब आपको आपका फोटो वहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, कैमरा से। उसके बाद यहाँ पर दिया है इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी अपने पास सुरक्षित रखें, मतलब एडमिट कार्ड जो है आप जब एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे तो इसको एडमिट कार्ड को आपको अच्छे से रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो लिंक है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, आपको वहाँ पर डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ पर हेल्प किया जाएगा। ठीक है दोस्तों,